हाय एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद एनिया। तो आज हम बना रहे सॉसेजेस। सॉसेजेस के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लिए। आधा किलो चिकन, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। एक मीडियम साइज का प्याज, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटें, चॉप यानी कर लें। ऑरिगेनो हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ही ब्लैक पेपर, नमक और पेपरिका पाउडर यानी कि रेड मिर्ची कुटी हुई, ये हसबे जायका, और अदरक और लहसुन का पेस्ट, चिली सॉस आधा चम्मच, सोया सॉस आधा चम्मच और वाइट विनेगर भी आधा चम्मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक चॉपर में हम पहले चिकन ऐड करेंगे, साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, ब्लैक पेपर, ओरिगेनो। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है। नमक मिर्च, वाइट विनेगर हाफ स्पून, रेड चिली सॉस आधा टेबलस्पून, सोया सॉस आधा टेबलस्पून। अब चलिए इनको ब्लेंडर में। तो सॉसेजेस का बैटर हमने ग्राइंड कर लिया और ये रेडी हो गया है। तो सॉसेजेस बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लास्टिक रैप ले लेंगे, जिसके ऊपर हम सॉसेजेस का जो बैटर है वो ऐड करते जाएंगे, रखते जाएंगे। आप जितना बड़ा बनाते हैं, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हैं बैटर। अब इसका रोल करेंगे। अब जितना इसको बड़ा रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो चलिए सॉसेजेस इस तरीके से रेडी कर लेंगे प्लास्टिक रैप में। तो अगर आप चाहते हैं तो साइड से नोट्स बांध लें, नोट यानी गिरा बांध लें। अगर गिरा नहीं बांधना चाहते इसके ऊपर रबर बैंड चला लें। अब इसी तरह सब सॉसेजेस आपने रेडी कर लेनी है। और उसके बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ कि क्या करना है। एक पैन में पानी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है, पानी बॉईल हो रहा है। इसमें हम सॉसेजेस वन बाय वन डालते जाएंगे और करीबन 5 मिनट तक इसको बॉईल करना है हमें। पाँच मिनट हो गए हैं, हम इसको निकाल के फौरन ठंडे पानी में आपने डालते जाना है। से ये बिल्कुल बर्फ वाला ठंडा पानी, इसी में ऐसे ही मैं डिप करती जाऊंगी जब तक ये ठंडे ना हो जाएं। देखिए हमारे सॉसेजेस रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम सारी सॉसेजेस कटिंग करके रखते जाएंगे और जब आपने खानी होगी इसको फ्रीज कर लीजिए। जब आपने खानी होगी इसको जैसे तरीके से आप काटना चाहें तो काट सकते हैं इसको। अब देखिए सॉसेजेस मैंने आपको दिखाई, अब मैं इसको फ्राई कर। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना हमने और साथ ही हमने सॉसेजेस डाल देनी है और इनको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद फ्राई करके, अब फ्राई हो रही है, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो आप इसको ब्रेड से, इसको इसका मतलब जो बर्गर है वो बना के खा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी डाइट है अपने बच्चों को बना के। लाइट से ब्राउन हो गए हैं, इसका मतलब है सॉसेजेस हमारे फ्राई हो चुके हैं। सॉसेजेस बनके तैयार हो गए हैं, अभी गोल्डन बार भी सुन ले। अपने बाप का जिससे तो पैदा हुआ शिनमा हो और अपनी माँ को उसके बढ़ाते में हकीर ना चाहे। तो अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।